जो बाइडेन का स्टेटमेंट है, या भारत में भी हम देखते हैं कि जब भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं धर्म का एंगल ना चाहते हुए भी आ ही जाता है, आज आपका जो बाइडेन के बाद क्या स्टेटमेंट होगा? रीमा जी, जो अमेरिका में आज हुआ है वो निसंदेह भारत में भी कल हो सकता है, और मैं कारण बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमस में जो आतंकवादी संगठन है, उन्होंने पहले तो मासूम इजराइलों के ऊपर जो हमला किया है उस पर आज भारत में बैठे हुए न जाने कितने घटक दल है जो समर्थन दे रहे हैं। फर्क सिर्फ खून का है, वहां पर इजराइल में बहाया जा रहा है हमस के द्वारा, और यहाँ भारत में विपक्ष के द्वारा खून जलाया जा रहा है। और मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि आप देखिए, मसब हसन यूसुफ ये हमस के फाउंडर के बेटे हैं, और इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और आप ही के सिस्टर चैनल सीएनएन पर इन्होंने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि किस प्रकार हमस को ना ही फलस्तीन और ना ही इसराइल के लोगों से फर्क पड़ता है, ना ही उनकी जिंदगी से कोई लेना देना है। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य, और उद्देश्य ये है कि किसी प्रकार सारी सिविलाइजेशन को खत्म कर उन्हें इस्लामिस्ट खिलाफा बनाना है। अब जो इस्लामिस्ट खिलाफा बनाने की बात करते हैं, वो यहां पर भारत में न जाने कितने ऐसे दल है जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी जिन्होंने सेक्युलर कहा था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, वो आ रहे हैं आज समर्थन में हमस के आतंकवादियों को, और राहुल गांधी आज भी उन्हें सेक्युलर कहते हैं, उनका समर्थन करते हैं। और वैसी साहब कह देते हैं कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो तो शैतान है, लेकिन हमस के आतंकवादियों के खिलाफ एक भी शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। मुझे एक कमेंट आपसे चाहिए, जो जो बाइडेन ने कहा है उनका समर्थन कर रहे हैं, मौजूदा वक्त में अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते बहुत बेहतर है, और जो बाइडेन का स्टैंड है इस्लामोफोबिया को लेकर कि हम इसके खिलाफ हूं, मतलब इस्लामोफोबिया के नाम पर किसी की हत्या ना हो जाए, इस सोच को हमें खत्म करनी है, तो भारत का क्या स्टैंड होगा? मैं वही कह रही हूं। हाँ। रीमा जी बिल्कुल आप इस बात को सही कह रहे हैं, हम तो खिलाफ हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी लगातार इस बात को कहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद का विरोध करते हैं, हमें किसी देश से, कोई ऐसा देश जो शांति चाहता उससे कोई दिक्कत नहीं, ना ही फलस्तीन का नाम ले रहे, ना ही इसराइल का, हम कह रहे हैं आतंकवाद नहीं होना चाहिए। और हमस तो सबको पता है एक आतंकी संगठन है, पर यहाँ पर लगातार वो पार्टी, वो संगठन जिसे आज भी देखिए जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों ने जाकर प्रदर्शन के नाम पर दंगे फैलाए थे, दो लोगों की हत्या हुई थी, 13 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। तो ये सब हम लोग लगातार, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक है सैयद जवाद, मुझे आपसे जानना, और इस मसले पे हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं, आज आपका स्टैंड क्या होगा ये मुझे आपसे समझना है। जो बाइडेन ने जो कहा इस्लामोफोबिया की सोच से दूर होना चाहिए, आप क्या आज हमस के बारे में ये कहेंगे कि हमस ने जो किया वो बहुत गलत किया, हमास का जो स्टैंड है वो बहुत ही गलत है, इतने मासूम मारे गए है, और इसको भारत की राजनीति के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है इसको मिलाना का काम कर रही है, मुझे नहीं लगता वो ठीक बात है। नंबर दो बात देखिए, भारत सरकार ने क्या हमास को आतंकी माना है? भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार है, अभी वेबसाइट उठा करके देख लीजिए कितने आतंकी संगठन है, क्या उसमें हमास को आतंकी संगठन में डाला है? अगर भारत सरकार ने आतंकी संगठन में हमास को डाला है तो मैं कहूंगा, लेकिन भारत सरकार ने तो नहीं डाला। उनका क्या स्टैंड है मैं उनसे पूछ लूंगी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इस स्टेटमेंट के बाद मुझे आपसे जानना, वो बात करेंगे आपसे जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। सुनिए, भारत सरकार राजनीतिक मुद्दों के ऊपर और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर अपना अलग स्टैंड लेती है, और लोकल पॉलिटिक्स जो अपनी भारत की पॉलिटिक्स है उसके अंदर अलग चीज, इसको दोनों से हर देश यही करता है, इसमें भारत कुछ अलग नहीं कर रहा है, सबकी विदेश नीति अलग होती है। सुनिए, सब्र से, अब आप मेरे बीच में टोका टाकी कर देती, सबको बोलने का मौका देती, तो मुझे प्लीज अनइंटरप्टेड जो है आप 30 सेकंड दे दीजिए, मैं 30 सेकंड दे दीजिए। देखिए क्या है, एकदम से जो बाइडेन ने अपना स्टैंड लिया, देखिए वेस्ट का प्रोपोगंडे को समझने की जरूरत है, वेस्ट हमेशा और खास तौर से अमेरिका हर जगह डिस्टर्बेंस चाहता है, वॉर चाहता है, और वॉर के अंदर उसके हथियार बिकते रहे। अभी रूस यूक्रेन के युद्ध को इसने छिड़वाया और पूरा यूक्रेन जो है उसके ऊपर जो है, सीधा सवाल आपसे पूछ रही थी कि जो बाइडेन जैसे ताकतवर लीडर ने ये कहा कि इस्लामोफोबिया सोच को खत्म होनी चाहिए, आप हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं या नहीं मानते? अरे भाई, अभी कल तक ये हो रहा था स्टैंड आपका कि भाई साहब हमास जो है वो तशद्दुद कर रहा है, लेकिन इजराइल का तशद्दुद आपको नहीं दिखाई देता है,
कहाँ चले जाते हैं इस बारी के अंदर, जिसने स्कूलों के ऊपर अभी निखत जी अभी अभी जो आप कह रही थी वही सच्चाई सामने आ भी रही है। आपने अभी तक इतनी डिबेट में आतंकी देश कहा इसराइल को? रीमा जी मेरे स्पष्ट सवाल है, वो भी तो बच्चे मार रहे हैं, औरतें मार रहे हैं, बेगुनाह बुजुर्ग मर रहे हैं, आतंकी ज्यादा बड़ा इसराइल है या हमास है? अरे सुनिए, 6 साल का मासूम बच्चा मारा जाता है, एक देश के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट आता है, लेकिन एक बार भी आतंकी निखत जी मैं आपके पास आऊंगी, शैलेंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं, शैलेंद्र सर मैं आप दोनों के पास आऊंगी, शैलेंद्र सर जी जी बिल्कुल सर आप बोलिए। एक बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरे भारत ने हमास का नाम टेररिज्म में नहीं डाला है तो वो क्यों नहीं डिमांड करता? ये जो बोलने के लिए बैठे हुए हैं पॉलिटिक्स, ये अपनी पॉलिटिक्स को इस तरफ क्यों नहीं डालते कि चलिए हम डिमांड करते हैं सो एंड सो पार्टी के हमास को टेररिज्म कोई स्टैंड नहीं होगा, सरकार क्यों नहीं स्टैंड नहीं होगा, डिमांड किया एक माननीय प्रधानमंत्री जी इतनी जल्दबाजी करते हैं स्टेटमेंट देने में कि भाई साहब मीडिया में सिर्फ उन्हीं का चेहरा दिखते रहे। अरे भाई विदेश नीतियों के लिए आपने विदेश मंत्री नियुक्त करा है, भाई जयशंकर साहब आप तो ज्यादा काबिल आदमी है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। एक जवाब एक बार सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं, उनका कहना क्लियर है, शैलेंद्र सर का क्लियर कहना है कि आपने ये मांग क्यों नहीं रखी। जयशंकर अच्छे समझते हैं सैयद जवाब कंडेम पार्ट इस्लाम टेररिज्म के पीछे दिखता है, डिमांड करिए, ये भारत देश के ऊपर ब्लेम करने से नहीं काम चलेगा। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास रीमा जी एक बार। हाँ बीजेपी का स्टैंड जी मुझे लगता है बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, हम एक दूसरे के बीच में नहीं फलस्तीन के बच्चे के साथ। ये जवाब मैं आपसे पूछ कर रही हूँ, एक एक करके ही बात कर पाएंगे, वक्त की बहुत कमी है। रीमा जी मैं किसी के बीच में नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ नहीं इस तरीके से। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अंग्रेजों के साथ का उनका इतिहास रहा है, जनता के तरीके से नहीं बात होगी, प्लीज मैं नहीं इस तरीके से बात नहीं होगी। मैं लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज, मैं आपका स्टैंड जान गई हूँ। निखत जी जिनका ऑडियो कम करिए, इतनी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये ऑडियो डाउन किया जाए प्लीज। हाँ